सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर आपके लिए अच्छी क्वालिटी का पशुधन लेके आने का प्रयास, जिसमें आपके लिए हम हर उस किसान के घर से वीडियो लेके आते हैं, वो चाहे एक पशुधन तैयार करने वाला हो या फिर कोई बड़ा हाईटेक डेयरी फार्म चलाने वाला। ज़्यादातर अदर स्टेट जो बायर्स की आज डिमांड है वो पशुधन खरीदने की सबसे ज़्यादा है, तो उसी प्रयास में हम जो सेल परचेज का काम करने वाले पशुपालक हैं उनके यहाँ से वीडियोज़ लेके आते हैं। क्योंकि आज अगर एक साथ हरियाणा से बाहर इतना पशुधन जो जा रहा है, उसमें संभवतः इस प्रयास को कोई पूरा कर सकता है तो वो व्यापारिक वर्ग है। तो रेगुलर हम वीडियोज़ उनके यहाँ से लेके आ रहे हैं, वो चाहे बात करें 50 भैंसे दिखाने वाला हो चाहे 2 भैंसे दिखाने वाला। तो आज एक काफ़ी अच्छी मिल्क लाइन की है जो बफलो आप सामने देख पा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से पूछेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई आज पहली बार हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जो भाई फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें, क्योंकि काफ़ी बार वीडियोज़ लेट पहुँचती हैं तो एक शिकायत रहती है कि आप वीडियो डालते हैं उससे पहले ही पशुधन बिक चुका होता है। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं गांव डिग्गल, काफ़ी फेमस गांव है रोहतक से लगता हुआ, और यहां पे बार बार अच्छी क्वालिटी का और अच्छी मिल्क लाइन की जो भैंसें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो में आपको मिलवाते हैं तेजू भाई से और पूछेंगे डिटेल से इस जोटी के बारे में। डिग्गल गाँव है वो झज्जर ज़िले के अंतर्गत आता है, तो एक बार युवा पशुपालक हैं इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आज एक ही भैंस दिखा रहे हो? एक हवाली। कौन से ब्यात के भाई साहब? तीसरे ब्यात की भाई। और कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए हो गया 25-26 दिन भाई। कब लेके आए इसको? इसने लेके आया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले। साथ में बच्चा क्या है इसके? बच्चा कटड़ी है भाई। कटड़ी। और आज मौके पे कितना दूध तैयार है भाई? दूध है रंजीत भाई 18 किलो। 18 किलो पक्का 18 किलो दूध तैयार। जी जी जी, एक बार इसको खोल के थोड़ा चला के दिखा दो भाई साहब। तीसरे ब्यात की भैंस 18 किलो दूध मौके पे तैयार। बार बार एक चीज़ दोहरा रहे हैं कि कहीं से भी आप पशु लें, प्रयास करें कि जो तैयार दूध का जो पशुधन है वही आप भाई खरीदें। बिल्कुल छोटे सींग की साइज, मीडियम से ऊपर साइज है, लेकिन बात करें इसकी जो अदर क्वालिटी की तो शायद वो मीडियम नहीं है, इतना शानदार कि देखते ही बनता है। ये देखिए जो इसके अडर में नसें, आज 17-18 किलो दूध बोलने में कम है, जब निकालने की बात आती है। रोक लो भाई साहब एक बारी। बिल्कुल जो दूध वाले पशुओं में जो करेक्टर्स होने चाहिए वो इस भैंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्यूटी की बात करें तो फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सींग, छोटे हेड की और बिल्कुल शांत स्वभाव की। नहीं तो अभी लेके आए हैं 2-4 दिन 10 दिन पशु पूरी तरह से सेट भी नहीं होता। और ये देख सकते हैं जो इसकी नीचे से अडर का साइज है, बेजोड़ हम कहेंगे। नसों का जो जाल वो शायद आपको HF और जर्सी गाय में भी देखने को ना मिले, बिल्कुल मुठी आकार के थन और दोनों साइड से ऐसे ही आपको इसमें जो ये नसें हैं ये देखने को मिलेंगी। दूध वाला पशु जो पूरे दूध पे होगा, आप भाई अच्छी खासी पेमेंट भर के आज पशुधन ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा पशुपालक हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं बड़े अडर की और जो गबन वैसे दिखाते हैं। शरीफ भाई, समझित भाई, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव की है। और अभी फिलहाल इसको दाने में क्या क्या दे रहे हो भाई साहब? अपना ये भाई गेहूं का दलिया, चोरी। जी जी, साथ में जो काफ आप देख पा रहे हैं ये देख सकते हैं, फीमेल काफ साथ में है। और मैं एक चीज़ बता रहा था कि जो आज गबन भैंसों के बड़े बड़े अडर दिखा के 25 किलो 20 किलो बता रहे हैं, 18-20 किलो की भैंसें आपको शायद काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन दूध निकालने प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलेगा। आज मौके पे इसमें 18 दूध तैयार है। भाई साहब आपने जहाँ से खरीदी वहाँ पे कितना दूध माप के ली थी? 22 किलो दूध माप के ली थी भाई। डाउन आई हुई है अभी? डाउन आ गई, पर थोड़ा बुखार हो गया भैंस का। जी जी जी, 18 किलो दूध है फिलहाल। तो एक लेके आए हैं और गर्मी का टाइम है, फीवर बीच में थोड़ा आने के कारण एक बार डाउन आई है। 22 किलो दूध वहां से माप के ली थी भाई, वापस बढ़ रही है रोज, वापस दूध आ जाएगी। जी जी, मेहनत लगेगी पर आ जाएगी। क्योंकि तेजू भाई के पास पहले भी काफी अच्छा अच्छा पशुधन देखने को मिला, इन्होंने एक जो भैंस थी उसमें शायद 26 किलो दूध तोला था, 26 किलो दूध तोल के इनके फार्म से गई थी, जिसके उसकी ये कटड़ी भी भाई ने तैयार कर रखी है। और उस भैंस ने इनके फार्म से जाने के बाद में भी
अच्छा खासा रिकॉर्ड करवाया कटड़ी, बिल्कुल बात करें सेम भैंस की तरह ही, वही सींग वही साइज भैंस काफी। भाई यहाँ से जाने के बाद मंजी 27.5 किलो दूध रिकॉर्ड करवाया, 27.5 किलो रिकॉर्ड करवाया था। और ये देख सकते हैं जो अर्डर को विकसित करना स्टार्ट कर दिया, अभी कितना टाइम है बच्चा देने? एक महीने में। जी जी, ये देखिए दो दांत, मुंह से दो दांत है मात्र। और इतने दूध की भैंसों की कटड़ियां काफी भाई बोलते हैं बिकती नहीं, अच्छी खासी लागत अगर कोई भरता है तो मेरे हिसाब से आराम से मिल जाती हैं। तो इस जो ये सामने आप देख पा रहे हैं तीसरे ब्यांत की ये भैंस, इसके साथ में ये फीमेल काफ है, क्योंकि एक पशुपालक आज जो अच्छी खासी लागत लगा के पशुधन ले रहा है उसके लिए काफ़ी मैटर करता है इस तरह की भैंसों की जो कटड़ियां हम तैयार कर सकते हैं। और जो शराफत है इस भैंस की वो देखते ही बनती है, नहीं तो रूटीन से पशु आ रहे हैं शायद इतनी ठंडी भैंस आपको काफ़ी कम इतने दूध की मिलेगी। ये देखिए जो इसकी पीठ की चौड़ाई और जो पीठ शरीर सींग अडर ये चीज़ें हैं पशुधन की जो कीमत है वो तय करते हैं। तो ये पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है तेजू भाई के पास, एक बार इनका जो संपर्क नंबर है वो भी बताना चाहेंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 299 हाँ 1025 जी 376। एक बार इसको फिर से खोल के थोड़ी चला दो। तो रेगुलर इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी भाई अधिक जानकारी लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। मौके पे 18 किलो दूध आज तैयार है और इनका कहना है कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सेट होती जा रही है फिर से दूध पियाने का जो दौर है वो इस भैंस का लगातार चल रहा है। ये देखिए काफ़ी शानदार एक चीज़, हर रोज़ वीडियो ऐसे ऐसे पशुओं की बनती है उसमें हल्की क्वालिटी के भी होते हैं इतने, लेकिन इस तरह का पशुधन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जो इसकी एक छोटा सा हम माइनस है वो भी दिखाना चाहेंगे, जो एक रिसोड़ी बोलते हैं यहाँ पे इसको, ये कुदरती होती है काफ़ी भैंसों में, हाँ ये शुरुआत से ही है। और कोई भी अदर डिटेल के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको अच्छा पशुधन दिखाने का एक माध्यम मात्र हैं जिसमें हम रूटीन से वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। 25-26 किलो दूध की भैंस की कटड़ी, ये प्रेग्नेंट, ये बिक्री के लिए तेजू भाई? ना भाई कोई बिक्री के लिए नहीं, को बढ़िया है भाई आज तो दे देंगे, कोई ज़्यादा अच्छी खासी पेमेंट लगाने वाला आया तो दे भी पड़ेगी भाई, और 20-30-50 लाख रुपए में कौन दे इसी कटड़ी? 20-30-50 हज़ार रुपए की? हाँ जी जी। तो सभी भाइयों का वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी भाई जो देश विदेश में वीडियो देख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में सभी भाई अपनी राय जरूर दें, काफ़ी अच्छा पशुधन दिखाया इसके लिए हम तेजू भाई का भी धन्यवाद करते हैं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।